नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सौनेर तहसील कार्यालय के प्रांगण में राजस्व सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को गौरवान्वित एवं सम्मानित करने तथा जनता के समक्ष राजस्व विभाग द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करने के लिए 1 अगस्त को राजस्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही सरकार के कार्यों के प्रति नागरिकों का विश्वास बढ़ाने के लिए प्रत्येक अगस्त को राजस्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि नागरिकों को राजस्व विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी मिल सके। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसकी शुरुआत आज सावनेर तहसील कार्यालय से की गई। उप विभागीय अधिकारी संपत खलाटे की अध्यक्षता तथा तहसीलदार मलिक विरानी, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मंजूषा ढोबले, सावनेर थानेदार रविंद्र मानकर, कृषि अधिकारी शुभांगी राठौर, नगर परिषद सावनेर की मुख्य अधिकारी किरण बागड़े, खाद्य आपूर्ति अधिकारी वसुंधरा रघटाटे, नायब तहसीलदार संदीप डाबेराव, नायब तहसीलदार विजय कोहड़े, नजर जयसिंह राठौर, मंडल अधिकारी राजेश वखारे, कल्लू हसन कनोजे, पटवारी गणेश मोरे आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। राजस्व विभाग द्वारा नागरिकों के लिए विशेष अभियान कार्यक्रम तथा गतिविधियां शिविर पूरे तालुका में आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, वरिष्ठ क्लर्क, मंडल अधिकारी, पटवारी, पुलिस पाटिल तथा कोतवाल आदि को उनके कार्य संपूर्ण हेतु प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस 7 दिवसीय राजस्व सप्ताह अंतर्गत राजस्व विभाग भूमि अभिलेख विभाग में क्रियान्वित विभिन्न सरकारी योजनाओं का विवरण देने वाले लघु वीडियो द्वारा जन जागृति सप्ताह के दौरान महत्वपूर्ण कानूनों, विकास योजनाओं, गतिविधियों और नीतियों को विभिन्न माध्यमों से जनता तक पहुंचाया जाएगा। जिलाधिकारी, उप विभागीय अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय में जरूरतमंद नागरिकों की मदद के लिए हेल्प डेस्क या हेल्पलाइन या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूरतमंद नागरिकों का मार्गदर्शन करने और उनके प्रश्नों का समाधान करने के लिए एक सिस्टम रूम स्थापित किया जाएगा। 1 अगस्त को राजस्व दिवस मनाना और राजस्व सप्ताह की शुरुआत, 2 अगस्त को युवा संवाद, 3 अगस्त को एक मदद का हाथ, 4 अगस्त को जनसंवाद, 5 अगस्त को सैनिक आपके लिए, 6 अगस्त को राजस्व संवर्ग कर्मचारी संचार में कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों से संवाद तथा 7 अगस्त को राजस्व सप्ताह समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। आयोजन का संचालन नायब तहसीलदार संदीप डाबे रावने ने माना तो वहीं आभार नायब तहसीलदार विजय कोड़े ने माना। महाराष्ट्र शासनाने 1 ऑगस्ट 2023 म्हणजे आजपासून महसूल सप्ताह साजरा करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत। त्यानुसार आज जो आहे तो महसूल दिनाचा शुभारंभ कार्यक्रम सावनेर तहसीलमध्ये माननीय उपविभागीय अधिकारी श्री खलाटे सर यांच्या अध्यक्षतेखाली तो पार पडला। आणि यानंतर जसं उद्याला युवा संवाद म्हणजे 2 ऑगस्टला युवा संवाद घ्यायचा आहे, त्यामध्ये काही 2-3 महाविद्यालयामध्ये आपण युवकांचा संवाद घेऊ। त्याच्यामध्ये मतदार नोंदणी, त्यांचे उत्पन्न किंवा जात प्रमाणपत्राचे दाखले देण्यासाठी या आठवड्यामध्ये कॅम्प लावणे असे उपक्रम घेतले जाणार आहे। तसेच एक हात मदतीचा या उपक्रमांतर्गत म्हणजे 3 ऑगस्टला जो साजरा करायचा आहे, त्याच्यामध्ये नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जे काही लाभार्थी सुटलेले असणार आहे किंवा त्यांचे चेक परत आले किंवा पैसे त्यांच्या अकाउंटवर परत आले तर त्यांची माहिती आपण घेतो आहोत आणि त्यांना परत लाभ देण्याचा आपण पुरेपूर प्रयत्न करणार आहे। त्यानंतर 4 ऑगस्टला जनसंवाद आणि 5 ऑगस्टला सैनिक तुमच्यासाठी म्हणजे स्वातंत्र्यसेनानी आहे त्यांचे जागांसाठी जे काही समजा अर्ज आहेत तर त्याचाही पाठपुरावा करणे आणि पूर्ण करण्याचा आहे। त्यानंतर महसूल कर्मचाऱ्यांसाठी 6 ऑगस्टला कर्मचारी संवाद आहे, जेणेकरून रिटायर झालेले काही अधिकाऱ्यांचे कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न असेल ते ऐकणे आणि सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल। आणि या सर्व कार्यक्रमाची सांगता जी आहे ती महसूल सप्ताह सांगता 7 ऑगस्टला घेतली जाणार। आणि या दरम्यान जसं काही ट्रायबल विलेजेस आहे, महारकुंड आहे, रायबासा आहे किंवा बडेगाव सर्कलचे गावं आहेत, तिथं आपण दाखल्यांचा किंवा आधार कार्ड अपडेट करण्याचा किंवा इतरही संजय गांधी श्रावणबाळ असे अर्ज प्राप्त करण्याचा आपण कॅम्प घेऊ या महिन्यामध्ये आणि या आठवड्यामध्येही प्रयत्न करू आपण। आणि असा उपक्रम राबवून जनतेला लोकाभिमुख सेवा देणे, जे दाखले वगैरे जे आहेत ते त्यांच्या गावापर्यंत जाऊन देणे हा उपक्रम आपण राबवू, जेणेकरून त्यांचा वेळ आणि पैसा याचा बचत होईल आणि सहजतेने त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळेल।
एनबीसीएन न्यूज के लिए सावनेर से संवाददाता किशोर ढूंढे लिखी रिपोर्ट। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जीवन रक्षक घोल WHO ORS तथा स्तनपान जन जागृति का आयोजन 6 अगस्त 2023 को बस स्थानक से होके शहर के मुख्य मार्गों से जन जागृति रैली तथा पटनाट्य द्वारा जीवन रक्षक घोल WHO ORS व स्तनपान जन जागृति की जाएगी तथा शहर के सभी बाल रुग्णालय तथा प्रसूति गृहों में चित्रफीटों द्वारा इसकी जानकारी तथा लाभ जन जन तक पहुँचाने के प्रयास हेतु इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी सदस्यगण शहर के सभी चिकित्सक नर्स नर्सिंग विद्यालय तथा समाज सेवी इस रैली में शामिल होने की बात पत्र परिषद में कही। नवजात शिशुओं के लिए माँ के दूध से बेहतर और कोई आहार नहीं है क्योंकि माँ के दूध में पर्याप्त पोषक तत्व तथा इम्यूनिटी पाए जाते हैं और ये धारणा बिल्कुल गलत है कि गाय का दूध नवजात शिशुओं के लिए माँ के दूध का विकल्प हो सकता है। विशेषज्ञों की माने तो अगर नवजात शिशुओं को गाय का दूध दिया जाए तो उन्हें स्वास्थ्य संबंधित कई जटिलताएं हो सकती है। उन्होंने कहा कि कई घरों में खासकर शहरी इलाकों में माँ कई कारणों से बच्चे को स्तनपान नहीं करा पाती। इन कारणों में जागरूकता का अभाव, काम का दबाव और स्तनपान कराने के लिए सुविधा का अभाव आदि प्रमुख है। भारत में पिछले दशक में जीवन रक्षक घोल WHO ORS व स्तनपान की जन जागृति की जा रही है। ऐसे विचार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाखा सावनेर के अध्यक्ष आशीष चांडक ने कही। वहीं बाल रोग तज्ञ डॉक्टर विजय धोटे ने बताया कि नवजात शिशुओं के मस्तिष्क एवं बौद्ध विकास तथा संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मां के दूध में पाए जाते हैं। मां का दूध नवजात शिशुओं के संक्रमण से तथा अतिसार, एलर्जी एवं अस्थमा जैसी बीमारियों से भी बचाता है तथा नवजात बालकों को स्तनपान का माँ पर भी सकारात्मक असर होता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अंडाशय का और स्तन का कैंसर होने तथा चयापचय संबंधी एवं कार्डियोवैस्कुलर संबंधी बीमारी होने का खतरा कम होता है। इससे रज्जु निर्वृत्ति के बाद की समस्याओं से भी बचाव होने की बात पत्र परिषद में कही गई। आज के इस समय उमस भरे वातावरण के बीच डिहाइड्रेशन अक्सर ऐसी समस्या के चलते लगातार दस्त होते हैं जो कि खतरनाक है। इससे बचाव का बेहद सरल व घरुगति उपाय ORS घोल है। एक शोध के अनुसार डिहाइड्रेशन से देश में प्रतिवर्ष 15 लाख लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे समय में डॉक्टरों के परामर्श के बाद ORS का घोल आपके प्राणों की रक्षा कर सकता है। अगर आते हैं ऐसे लक्षण जैसे कि मुंह सूखना, आंखों का अंदर जाना, कमजोरी व चक्कर आना, मूत्र कम व पीले रंग का होना, त्वचा ठंडी व झुर्रियां मुक्त हो जाना, शरीर का तापमान कम हो जाना, शरीर में कई और लक्षण भी सामने आते हैं, ये डिहाइड्रेशन का कारण है। बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर नीलेश कुंभारे बताते हैं कि बच्चों की आंतों में संक्रमण के कारण बार बार दस्त होते हैं। शरीर में पानी, नमक व ग्लूकोज की कमी हो जाती है, इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जैसे ही बच्चों में दस्त हो डॉक्टर के परामर्श करते तुरंत ORS घोल दे। ORS बनाने के तरीके का एक साफ बर्तन में ORS का पैकेट डालें, उचित मात्रा में साफ और फिल्टर वाला ही पानी डालें। ORS घोल को केवल पानी में ही तैयार करें। दूध, सूप, फलों का रस और सॉफ्ट ड्रिंक आदि में सेवन नहीं करना चाहिए। यदि बच्चों को ORS पीकर उल्टी कर देते हैं तो उसे कुछ देर बाद दोबारा ORS दे। अगर बच्चे को दिन में 3 या उससे ज्यादा बार दस्त आए तो बच्चे की उम्र 6 माह से ज्यादा है तो उसे 20 मिलीग्राम जिंक रोजाना दिया जा सकता है। बच्चे को करीब 1.5 से 2 सप्ताह तक ये गोलियां दी जा सकती है। यदि बच्चे की उम्र 6 माह से कम है तो जिंक की मात्रा 10 मिलीग्राम होनी चाहिए। इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए डॉक्टर शिवम पुन्यानी ने कहा कि जीवन रक्षक घोल ORS संबंधित कई भ्रांतियां प्रचलित है, जैसे कि जीवन रक्षक घोल देते ही अधिक दस्त लगना, लुस्त पड़ना आदि। जीवन रक्षक घोल तथा इस्तेमाल करते वक्त उसका अनुपात ठीक हो, इस ओर ध्यान देना चाहिए। आमतौर पर देखा जाता है कि 1 गिलास पानी में 1 चम्मच घोल दिया जाता है जो अनुपात से अधिक होता है, ऐसे में समस्या बढ़ सकती है, इसलिए दिए गए अनुपात अनुसार ही घोल बनाए। इसी जागृति हेतु इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा ये जन जागृति रैली का आयोजन किया जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभागृह में संपन्न पत्र परिषद में IIM के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष चांडक, सचिव डॉक्टर शिवम पुन्यानी, कार्याध्यक्ष प्रवीण चौहान, वरिष्ठ बाल रोग तज्ञ डॉक्टर विजय धोटे, बाल रोग तज्ञ डॉक्टर नीलेश कुंभारे, डॉक्टर जीव तोड़े, डॉक्टर मानकर आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। आयोजन का संचालन डॉक्टर शिवम पुन्यानी ने तो वहीं आभार डॉक्टर जीव तोड़े ने माना।
जुर्माना। एनबीसी न्यूज के लिए सामनेर से संवाददाता किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट। नारी शिक्षा के जनक, महान समाज सुधारक, गुलामी से मुक्ति दिलाने वाले क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिबा फुले तथा अन्य महापुरुषों का सदैव अपमान करने वाले तथा अपशब्द बोलकर दो समुदायों के बीच दरार पैदा करने वाले मनोहर भिड़े उर्फ संभाजी भिड़े को गिरफ्तार कर उन पर मामला दर्ज कराने की मांग मारी समाज की ओर से की गई। महापुरुषों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने वाले संभाजी भिड़े पर कार्रवाई का निवेदन तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजकर मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की गई। इस अवसर पर माली समाज प्रतिनिधि मंडल सुनील चाफेकर के नेतृत्व में पूर्व नगर सेवक तेज सिंह सावजी, नीलेश पटे, बंडू दिवटे, दीपक बसवार, किशोर चांदुरकर, प्रकाश धंडोले, शेषराव वाडीकर आदि उपस्थित थे। बोलणारे व्यक्ती आहेत, ते वारंवार नेहमीच त्यांच्या एक षडयंत्राद्वारे ते महापुरुषांचा अपमान करत आलेले आहेत। त्यांनी काही दिवसापूर्वी आताच एक महात्मा फुले यांच्याविषयी अवाच्य बोलून समाजाला दुखवण्याचं काम केलं आहे। समाजामध्ये तेढ निर्माणाचं काम हा मनुष्य नेहमी करत असतो। त्यांच्यावर सरकारने देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना त्वरित अटक करावी अशी आमची मागणी आहे। आम्ही आता एक डेप्युटेशन दिलं आहे तहसीलदारातर्फे CM करता, त्यांनी आमच्या डेप्युटेशनवर त्वरित कारवाई करावी अशी आमची विनंती आहे। कारवाई नाही झाली तर आपलं आंदोलनाचं काही पाऊल राहील? हो, नक्कीच। संभाजी भिडे इन्होंने अपने जो महापुरुष है उनके बारे में एक गलत मैसेज समाज को दिया है, उनका अपमान किया है और ऐसे व्यक्ति को देशद्रोही करके उनको गवर्नमेंट ने सजा देना चाहिए। ऐसी आपकी मांग? ऐसी ही हमारी मांग है और हमने इस प्रकार का निवेदन सावनेर तहसील कार्यालय में माननीय तहसीलदार साहब को दिया है, तो यहाँ पे तुरंत वो मांग हमारी पूरी हो और संभाजी भिड़े पर कार्रवाई हो। ऐसे हम सभी माली समाज और सावनेर के रहवासी ऐसा निवेदन यहाँ तहसील कार्यालय में दिया है। NBC न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट। स्कूल कॉलेज के छात्राओं में मतदान के प्रति जागरूकता करने हेतु मौदा तालुका महसूल विभाग द्वारा तालुका के सभी स्कूलों में जाकर छात्राओं को मार्गदर्शन किया जा रहा है। उसी प्रकार छात्रों को आगे की पढ़ाई करने हेतु लगने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र देने हेतु सभी स्कूल कॉलेज शिविर का आयोजन महसूल विभाग द्वारा किया जाएगा। तालुका के ग्राम धानला के सर्वोदय विद्यालय में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मौदा के तहसीलदार धनंजय देशमुख, नवनाथ खातखेड़े, ओम प्रकाश काले भगत ने मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य संजय गिरडे, ग्राम पंचायत सदस्य मंगेश ठोंबर, अध्यापक नरेश सावसकड़े और स्कूल के छात्र उपस्थित थे। आज युवा संवाद ही आपली संवादाची मालिका सुरुवात केलेली आहे। मौदा तहसीलमध्ये 20 महाविद्यालयांमध्ये अशा युवा संवाद होऊन राहिलेला आहे। या युवा संवादमध्ये आमच्या डिपार्टमेंटतर्फे, तहसील डिपार्टमेंटतर्फे सर्व मुलांना आपले जातीचे दाखले, इन्कम सर्टिफिकेट्स याबाबत पूर्ण सूचना देऊन इथं कॅम्प अरेंज करण्यात येणार आहेत आणि जे मुलं 18 वर्ष किंवा 17.5 वर्षाचे झालेले आहेत त्यांना इलेक्शन कार्ड देण्याबाबत कारवाई करण्यात येणार आहे। NBC न्यूज के लिए मौदा से संजय गिरडे की रिपोर्ट। नरेंद्र वानखेड़े को हाल ही में वाड़ी MRTC और हिंगना के परिवहन जोन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। वानखेड़े को स्पेशल ब्रांच से MIDC डिवीजन में स्थानांतरित किया गया है। वाड़ी शहर एक परिवहन केंद्र है और वाड़ी के यातायात को लेकर कई मुद्दे लंबित है। PI वानखेड़े ने पार्किंग व्यवस्था, CCTV, ऑटो स्टैंड, दिशा संकेत जैसी कई यातायात समस्याओं को तुरंत और समय पर हल करने का विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सुबह शाम वाहनों को भीड़ को रोका जाएगा। ऑटो चालकों के अनुशासित यातायात के संबंध में उन्होंने कहा कि दत्तवाड़ी टी पॉइंट, खड़गांव टी पॉइंट, कंट्रोल वाड़ी सभी स्थानों पर अनुशासित तरीके से ऑटो स्टैंड स्थापित किए जाएंगे। खड़गांव रोड पर अवैध पार्किंग के खिलाफ हमेशा की तरह कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने हाईवे पर गड्ढों पर भी कदम उठाने का भरोसा जताया। साथ ही यातायात के संबंध में समस्याओं की जानकारी देने की नागरिकों से अपील की। मी नरेंद्र वानखेड़े, पोलीस निरीक्षक, वाहतूक विभाग MRDC नागपूर शहर येथील कार्यरत असून मी माझ्या क्षेत्रातील व नागपूर परिसरातील सर्व आई वडिलांना विनंती करतो
की त्यांनी आपल्या पाल्यांना वाहन देताना सांभाळूनच वाहन द्यावं. जर तो वयापेक्षा कमी असेल, म्हणजे 18 वर्ष, किंवा जर मोपडी देताना 16 वर्षापेक्षा कमी असेल, तर त्याला न दिलेली भरी, थोडासा त्याला राग येईल, तो काही चिडचिडपणा करेल, परंतु त्याच्यामुळे तुमच्यावरही आणि मुलांवरही संकट येणार, आणि त्याचा आणि तुमचा त्रास वाचण्याकरता थोडेसे आपल्याला जरी काही कठोर भूमिका घ्यावी लागली तरी ती घेतली पाहिजे असे माझे वैयक्तिक मत आहे. तसेच ट्रिपल सीट, कारण आई वडिलांना माहीतच नाही राहत की मुलं बाहेर गेल्यानंतर नेमके करतात काय, तर ट्रिपल सीट बसवणे, रॉंग साईड चालणे, तर या गोष्टीवर आई वडील तर आळा घालू शकत नाही, परंतु आमच्या परीने आमचा पूर्ण प्रयत्न असतो आणि आम्ही त्या कारवायासुद्धा सुरू केलेल्या आहे. ट्रिपल सीट, रॉंग साईड, आणि विशेषतः मायनर मुलं जे आता यावेळेस, तर मायनर मुलं आले की त्यांची गाडी थांबवायची, त्यांचे आई वडील यांना बोलून त्यांच्यावरसुद्धा कारवाई करायची. तसेच फोनवर बोलणारे हेल्मेट लावतात आणि त्याच्या आतमधून फोन टाकून बोलत राहतात. ते तर फोन असे चालतात की कॉलेजपासून घरापर्यंत, घरापासून तर कॉलेजपर्यंत, इथपर्यंत त्यांना हेही समजत नाही की आपण वाहतूक कशी आहे, किती स्पीडली वाहतूक सुरू झालेली आहे. तर अशा याच्यावर आम्ही कारवाई करणार हा आमचा उद्देश आहे. तसेच या परिसरात जास्तीत जास्त मोठी वाहतूक, म्हणजे हेवी वाहतूक आहे. तर आता बऱ्याचशा महत्त्वाच्या रस्त्यांची मोठी कामे सुरू आहे, त्या दृष्टीने आम्ही जास्तीत जास्त कर्मचारी चौकात रस्त्यांवर लावण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आम्हीसुद्धा स्वतः हजर राहून वाहतूक नियमांचे पालन होईल या दृष्टीने लोकांना पण विनंती करीत आहे, आणि आम्ही स्वतःही अवेअरनेस घेण्याचा पूर्ण प्रयत्न करीत आहे. व लोकांनासुद्धा विनंती आहे की त्यांनी ट्रॅफिक नियमाचं तंतोतंत पालन करावं, आणि विशेषतः आपल्या पाल्यांनासुद्धा त्यांचं पालन लावण्याकरिता भाग पाडावे. आम्ही शाळा कॉलेजमध्ये भेटी देणे सुरू केले आहे, जेणेकरून पाल्यांना काहीतरी मार्गदर्शन व्हावं व त्यांच्या सुधारणा घडवून भावी असा चांगला नागरिक घडावा की जो वाहतूक नियमांचं पालन करेल, आपले आयुष्य सुखी करेल. एवढी माझी सर्व पाल्यांना व त्यांच्या आईवडिलांना विनंती आहे. तसेच ऑटो युनियनवाल्यांना, त्यांना व ॲटो जे प्रत्यक्ष ड्रायव्हर आहेत त्यांना, ते सुद्धा आपले वाहनं किंवा ॲटो रस्त्याच्या बाजूला लावतात, परंतु त्यांनीसुद्धा आपले वाहन योग्य ठिकाणी लावून वाहतुकीच्या सुरळीत चालण्यामागे आपली भूमिका, आपलं सहकार्य करावं. न केल्यास आम्ही कारवाई तर करणारच आहोत. तसेच जे हेवी व्हीकल्स आहे, हेवी व्हीकल्ससुद्धा त्यांनी वाहतुकीच्या मर्यादेचं पालन करावे, वाहतुकीच्या नियमाचं पालन करावं, व रस्त्याच्या बाजूला चुकूनही वाहन लावू नये. आम्ही त्याच्यावर चालन कारवाई करीतच आहोत, व यापुढे ती कारवाई सतत चालूच राहील. NBCN न्यूज के लिए वाणी से संवाददाता की रिपोर्ट. आज के बुलेटिन में वक्त हो चला है यही रुकने का. ताजा खबरों के लिए देखते रहिए NBCN न्यूज. नमस्कार.